पर तो मेरे को देखने में अच्छा लगता मोमोज वगैरह, तो मैं काफी बंदों को समझा भी चुका, मानते ही नहीं है। आप लोग प्लीज ध्यान रखा करो यार, मोमोज ज्यादा नहीं खाने। वेलकम टू एन एम ब्लॉग्स। और शादी का माहौल अभी चल रहा है, ख़त्म भी हो चुका है, तो यार लगा कि कहीं ना कहीं अलग जगह जाना चाहिए। तो मैं और मोहित अभी आए हुए हैं हम रॉयल विंग्स। भाई अभी ये कल ही ओपन हुआ है और आपको पता है कि हम बिजी थे शादी में, जैसे ही आज फांसी आए तो अभी मैं रोशनी तो भाई डायरेक्ट यहीं पे आ गया रॉयल विंग्स में ही। और अभी अंदर चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा क्या अभी क्या चेंजेस किए हैं। बाकी अभी डेकोरेशन जो बाहर की जो आउटर का एरिया था वो कम डेकोरेटेड यार, यहाँ पे डेकोरेशन जो है अभी कम है अभी। सो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सही एकदम, पहले ऐसे था क्या? मैं फर्स्ट लास्ट टाइम मैंने दे दी थी, कब ओपनिंग हुई इसकी? चार पांच दिन से ओपनिंग हो चुकी है ऑलरेडी। क्या मंगवाना है भाई? मैं तो कुछ गर्म सा ही खाऊंगा, मतलब गला थोड़ा सा अभी ठीक ठाक है। गर्म जैसे गर्म पानी? गर्म पानी खाने का दिल नहीं, पीने का। तो उसको वो कर देंगे ना, वो फ्रिज में जमा देंगे। स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तंदूर से क्या मंगाया जाए? हरियाली पनीर टिक्का। ये कैसा होता है हरियाली पनीर टिक्का? जो है नहीं पनीर का तो होता ही है, पर उसमें हरे कलर में भी होते हैं, स्पाइसी या फिर स्वीट में रहते हैं। आपको स्पाइसी लेना है? हमको थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मीडियम स्पाइसी। मीडियम स्पाइसी लेना है, मीडियम होते हैं सारा। हाँ तो एक हरियाली पनीर टिक्का, फाइनल हरियाली पनीर टिक्का कर लेते हैं। हरियाली पनीर टिक्का कर दीजिए। मुझे लेफ्ट वाली शीट पसंद आ रही है लेकिन राइट वाली शीट पसंद नहीं आ रही। क्यों, ऐसा क्यों? राइट में जो नंबर्स है ना थोड़े से मुझे प्राइसी है, ओवर ब्लैक लग रहा है यार इतना, बट ठीक है। आई मीन लोकेशन भी डिपेंड करता है ना, सब कुछ देखा जाता है। बनी कुछ बात, पहले हरियाली पनीर टिक्का से पहले देखना पड़ेगा, पहले ही देखना डिसाइड करने में आते ही बोल देंगे ना, फिर सेकंड आ जाएगा। एक चीज़ और, बस दो ही चीज़, स्प्रिंग रोल बने की अपना ये वाला फैक्ट्री भी दे नंबर वाला, जब भी हम काफ़ी चीज़ें खा नहीं पाते हैं ऐसी लोकेशंस पे, फोटो में ज़्यादा टाइम लगाते हैं हम यहाँ पे। फोटो खिंचवाएंगे बाहर जा जाके, भाई यहाँ खींच मेरी है, इधर से खींच उधर से खींच। सही बात है, वो भाई होता है मिडिल क्लास थिंग्स, मिडिल क्लास गोल्स, रियलिटी एक्चुअली। हाँ सही है यार, गोल्स का गोल्स तो मतलब क्या है, रियलिटी है, रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी। वहाँ 30-30 रुपए का मिलता है अपना वहाँ चना और वहाँ, पर वहाँ ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ सूप सूप मिल रहा है, यहाँ हमको विद लोकेशन मिल रहा है। हाईवे में बैठ के लोकेशन भी डिपेंड करती है, उसके चार्जेस को हम नहीं गिनते, हम सिर्फ जो चीज़ है उससे कंपेयर करते हैं। वहाँ बड़े सी गेट पर खड़े होकर घूमना पड़ता है, वो बात अलग है, हमारे लिए मैटर नहीं करती पर उन्होंने तो इन्वायरमेंट दे रखा है ना ऐसा। कितने दिन में रेडी हो जाएगा? अच्छे से अच्छा धीरे धीरे हो रहा है अभी तो, मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं होगा ना? हमको तो सुन के बहुत बुरा लगा उस टाइम जब आया था, मैं उस दिन खाना ही खाना ही आना था हमको, पर सुना कि ये ऐसा कुछ हो गया है अचानक ही हुआ। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरे, चलो सही है, मेंटेन रखना इसको। हाँ ठीक है, थैंक यू भाई। चिली पटेटो कर लेते हैं, चिली पटेटो कर लेते हैं चल। पर चिली पटेटो मैं थोड़े से खाता नहीं हूँ। चिली पटेटो हनी
चिली पोटैटो मैं खाता ही नहीं हूँ एक्चुअली। मोमोज भी नहीं है इनके पास यार भाई मोमोज तो नहीं नहीं गलत गलत बात तो देखने में अच्छा लगता मोमोज वगैरह तो मैं काफ़ी बंदों को समझा भी चुका मानते ही नहीं है। आप लोग प्लीज़ ध्यान रखा करो यार मोमोज ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। हाँ थोड़े से लिमिट में स्प्रिंग रोल। हाँ वो तो मैं खा लेता हूँ स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल ठीक है। तो भाई ये आ गया है हमारा फाइनली कौन सा ये हरियाली पनीर टिक्का। अभी एक कर दीजिए क्या डिसाइड हुआ था स्नेक वेज स्प्रिंग रोल कर दीजिए ठीक है। कितनी देर 10 मिनट लगेगी तो ये खा लेते हैं इतने फिर कर दीजिए ठीक है। स्प्रिंग रोल भी आ चुके हैं हमारे एंड स्प्रिंग रोल खाते हैं अभी। अश्नी ये कैसा था? सही था बढ़िया था ना अच्छा था सही एकदम रोस्टेड था। चलो अब ये ट्राई करते हैं। तो यार खाना हो चुका है अभी फिनिश और अभी हम लोग वापस जाएंगे। बाकी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था यहाँ का सही थे मतलब मेन एक्सपीरियंस जो था ना मेरे हिसाब से खाना तो मैं ये नहीं बोलूँगा यार कि 10 out of 10 था एक्सपीरियंस अच्छा था। एक्सपीरियंस अच्छा था हाँ बैठ के आराम से ना पीछे गाने चल रहे हैं एकदम दिल्ली वाली फील आ रही चल रहा है। हाँ, मतलब दिल्ली वाली फील आ रही है हंसी में है। हाँ मैंने तो वैसे क्या वरना यूजुअली क्या होता है आप रेडियो के आसपास होते हो खड़े होते हो वो चीज होती है तो उसके हिसाब से देखा जाए। अच्छा पता है क्या होता है इसमें इंटरेस्टिंग जब हम गोलगप्पे खाते हैं वो एक बार पानी पिला देते हैं मैंने तो भाई थोड़ा सा रुपया ही हो और फिर बाद में पापड़ी। हाँ ये बात तो है ये यार ब्लॉगिंग वगैरह का आई थिंक एक दो दिन हम कुछ स्ट्रैटजी बना रहे हैं कुछ नया यू नो करने की बिकॉज हमें पता है कि काफ़ी लोगों को फीडबैक भी आया था इसके अंदर कि कुछ अलग किया जाए बिकॉज यू नो एक ही चीज़ होती है ना बार बार तो फिर यार उसके बाद बंदा फिर लगता है कि इंटरेस्ट लूज हो जाता है फिर इंटरेस्ट बढ़ जाता है वो कहना कि लूज होना स्टार्ट हुआ था तो इसीलिए एक नई स्ट्रैटजी पे काम कर रहे हैं ताकि कुछ ग्रोथ हो सके आप लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके और आप लोग देख सको लाइफ को एग्जैक्टली ये क्या चलता है क्या नहीं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत की हमने आज हम वहाँ गए थे टाउन पार्क तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ काफ़ी ज़्यादा बातें मेरे माइंड में रिव्यू स्टिक किया हुआ है क्या मॉडल टाउन टाउन पार्क थोड़ी है वो डालो गुंजन पार्क लेकिन अब हमारे हादसे का तो टाउन पार्क है। हाँ वो टाउन पार्क बोलते हैं उसको मतलब बोल देते मैंने बोल दिया तो बोल देते। अच्छा ये एंड ब्लॉग भाई साहब यार ये किला है ताजमहल है वो तो किला ही है हासी का ताजमहल बोल सकते हैं उसको किले को हासी का ताजमहल जच मीरा यार मेरे को ताजमहल से हासी का करो मतलब जच मीरा नहीं ताजमहल तो नहीं जच रहा पर हासी का रेड फोर्ट बोल सकते हैं। और नदी टूट के आती है तो वो बह गया कुछ थोड़ा सा किला हमारा ऐसे है पीछे एग्जैक्टली बिल्कुल सही एकदम सही डिस्क्राइब किया भाई साहब एकदम ऐसे ही है। रॉयल स्विंग से आ गए थे तो आपको मैं बता दूं कि यार रॉयल स्विंग काफ़ी दिन पहले एक या डेढ़ महीने पहले ये गवर्नमेंट ने तोड़ दिया था पूरा तो यार बहुत गलत हुआ था इनके ओनर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो जैसे ही हमको पता लगा कि ओपन हो गया दोबारा से तो हम खाना खाने गए थे इसलिए अश्विनी तो फर्स्ट टाइम गया था तो भाई हाँसी वाले बंदों को तो पता हो रॉयल स्विंग का और जो हमारी नई जनता उनको नहीं पता होगा कि रॉयल स्विंग को तोड़ दिया था और रॉयल स्विंग अभी दोबारा से ओपन हो गया है तो आप जा सकते हैं खाना खा सकते हैं हमारा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और भाई आप भी जाओ एंड खाना खा के बताओ कि कैसा था। और यहाँ इस ब्लॉग को एंड करते हैं मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में ओके बाय बाय ठीक।